बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि की सहेली निधि से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने अब निधि की कुंडली भी खोल दी, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि निधि का ड्रग्स कनेक्शन अब सामने आ रहा है। साल 2020 में निधि ड्रग्स केस में आगरा में अरेस्ट हुई थी। निधि तेलंगाना से ट्रेन से गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहां पर 6 दिसंबर 2020 को उसे गिरफ्तार किया गया था। निधि के साथ समीर और रवि नाम के लड़के भी गिरफ्तार हुए थे। फिलहाल निधि जमानत पर बाहर है। निधि वही है जो अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार थी। एक्सीडेंट के वक्त निधि भी अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार थी। निधि इसमें बच जाती है, लेकिन अंजलि कार के साथ फंस जाती है। कई किलोमीटर तक कार उसे घसीटती रहती है और अंजलि की इस दुर्घटना में मौत हो जाती है। लेकिन निधि जो कि स्कूटी पर सवार थी अंजलि के साथ एक्सीडेंट के वक्त, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उसे लेकर नई नई जानकारियां आप सामने आ रही हैं। कंझावला केस में कितने किरदार और उनके कितने राज, अब ये एक बड़ा सवाल हो गया है। साल 2020 का एक केस सामने आ रहा है, जिसमें ड्रग्स केस में आगरा में निधि अरेस्ट हुई थी। निधि वही जो अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार थी। निधि तेलंगाना से ट्रेन से गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची और 6 दिसंबर 2020 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निधि के साथ समीर और रवि नाम के लड़के भी थे। ये एफआईआर की कॉपी है। जब तेलंगाना से ट्रेन से गांजा लेकर आगरा आए ये लोग और आगरा में इनकी गिरफ्तारी हो गई। 2020 की घटना, 6 दिसंबर 2020 गिरफ्तारी ड्रग्स केस में निधि की, वही लड़की जो अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार थी, वही लड़की जो कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आती है, वही निधि जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि अंजलि को बचाने की कोशिश निधि ने क्यों नहीं की। पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं और उन बयानों में भी सब कुछ साफ और सच नजर नहीं आ रहा। कई सवाल उठ रहे हैं निधि के बयानों को लेकर भी। तो इस घटना की गवाह निधि को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि निधि ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुकी है। 2020 की यह घटना है, 6 दिसंबर 2020 जब निधि इस घटना की चश्मदीद ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई थी, फिलहाल जमानत पर। तो देखिए ड्रग्स कनेक्शन निधि का क्या है, जरा यह समझ लेते हैं। इस घटना की चश्मदीद है निधि और दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह है कि ड्रग्स केस में इससे पहले निधि गिरफ्तार हो चुकी है। दिसंबर 2020 को आगरा में गिरफ्तारी हुई थी। तेलंगाना से उस वक्त गांजा लेकर यह आगरा पहुंची थी और इस वक्त जमानत पर बाहर है निधि। तो इस घटना की चश्मदीद निधि को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली जानकारियां हैं। निधि जो है वो सीसीटीवी में नजर भी आती है, वो होटल में अंजलि के साथ भी थी। दोनों जब होटल से बाहर निकलते हैं उनके बीच झगड़ा होता है सड़क पर, उस वक्त भी आपको सीसीटीवी में निधि नजर आती है अंजलि के साथ। फिर वो स्कूटी पर सवार होकर एक साथ निकलते हैं। एक्सीडेंट के वक्त भी अंजलि निधि के साथ थी। जैसा कि हमने आपको बताया 2020 में 6 दिसंबर को जो गिरफ्तारी हुई थी कंझावला केस के में गवाह जो है निधि, उसे लेकर यह जानकारी है। और अब अंजलि के अंकल की तरफ से बयान आया है इसे लेकर कंझावला केस में कि निधि गांजा लाती थी। ये अंजलि के अंकल की तरफ से आप? नहीं नहीं, हमारे को ऐसा कुछ नहीं पता कि वो क्या करती थी क्या नहीं करती थी, अपने को ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जब उसका अभी रिकॉर्ड खंगाला है, पुराना से रिकॉर्ड खंगाला है, तो वो रिकॉर्ड में निकला बाहर आया है कि उसे सिकंदराबाद की पुलिस ने जो है रेलवे पुलिस उसे गिरफ्तार किया और 10 किलो गांजा ला रही थी। सर वो तो निधि ला रही है ना, हमारी लड़की तो नहीं ला रही ना। निधि से पूछताछ कर लिया जाए ना, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हमारी लड़की के बारे में तो यूँ बताया ना, 10-15 दिन पहले से ही वो जानती थी। हमारी लड़की तो नहीं है ना इस चीज़ में, 3 साल पहले 2020 का वो बता रहे। तो गांजा लेकर निधि आती थी ये अंजलि के अंकल कह रहे हैं, यानी कि इसके बारे में उन्हें भी जानकारी थी। उनका कहना है कि अंजलि इन सब में शामिल नहीं थी, अंजलि को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो कुछ भी हो रहा था वो निधि कर रही थी। तो पूछताछ निधि से कीजिए, इस मामले में अंजलि का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिल्ली के कंझावला केस में बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है, तो इस वक्त के बड़े अपडेट्स क्या हैं, 10 बड़े अपडेट आपको हम बताते हैं।
पहला अपडेट यह है कि अंजलि की दोस्त निधि को लेकर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि ड्रग्स केस में निधि पहले गिरफ्तार हो चुकी है। दिसंबर 2020 की घटना है जब आगरा में निधि की गिरफ्तारी हुई थी और इस वक्त निधि जो है वो ड्रग्स केस में जमानत पर है। कंझावला केस में जो जानकारी है, अब सभी सात आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। एक्सीडेंट वाली जो कार है इसमें 5 नहीं बल्कि 4 आरोपी थे। पहले जानकारी थी कि इसमें 5 आरोपी थे, अब जानकारी यह है कि एक्सीडेंट वाली कार में 5 नहीं बल्कि 4 आरोपी थे। वारदात के वक्त दीपक ये घटनास्थल पर नहीं था, ये जो किरदार है दीपक ये घटनास्थल पर नहीं था। वारदात के बाद आरोपी दीपक के घर रुके थे, ये बात सामने आई है। अंजलि की दोस्त निधि से पुलिस ने पूछताछ की है और पड़ोसी जो है निशांत ने निधि से जान को खतरा बताया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।